आज मैंने तुम्हारी दीदी को बुलाया है। दीदी यहाँ पे? क्यों नहीं बुला सकती? विवान, तुम हम सबके लिए इतने खास हो गए तो मैंने सोचा कि तुम्हारे परिवार से मिलते रहना चाहिए। थैंक यू, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। आओ किंजा। ये लो, विवान के लिए है, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। आपने आपने मेरे मतलब विवान के लिए आपने इतना अच्छा सोचा। किंजल अब तुम जा सकती हो। परिदा जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? किंजल इतने दिनों बाद हवेली में आई है, इसे हमारे साथ एक कप चाय तो पी लेने दो। नहीं मैडम, चाहे मैं बाद में पी लूंगी, आपने बोल दिया, बस ये इतनी बड़ी बात है। विवान अब हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, तुम्हारा ही घर है। अच्छा मैडम, चलती हूँ फिर। नमस्ते। फरीदा जी, नीचे जाकर घर को सजाइए। ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी की शादी हो। आखिर हवेली में कितने दिनों बाद जश्न मनाया जा रहा है। जी पता है क्या, अभी तो ना ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। और वैसे भी प्रीत मैडम ने तो हम लोग ने इतना किया, और अब तो रिश्तेदारी होने वाली है ना। तूने देखो उन्होंने चाय के लिए कैसे पूछा मुझसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी भाई की वजह से हमारी पूरी किस्मत ही बदल रही है। मुझे पता है मैं तुझे डांटती हूँ, लेकिन तुझे पता है कारण क्या है? गरीबी, कुछ पैसे तो है नहीं हमारे पास। तेरे जीजू भी दिन रात उस नर्सरी में काम करते रहते हैं, लेकिन क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं। और पता है जहाँ पैसा होता है ना, वहीं प्यार होता है। तो एक बार पैसा आने दे, उसके बाद देख मैं तुझे क्या अमीर बच्चों की तरह रखूंगी। दीदी मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा और आप दोनों को एकदम प्यार से रखूंगा। और वैसे भी आपके पास तो नया वाला भेड़ आ गया ना, तब ले आऊंगा। तू ना मेरे से बस जानवरों की सेवा करवाते रहे बड़ाया। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना तब आपको। ये तो मैडम की प्लेट है, वो सिर्फ इसी प्लेट में खाती हैं। इन लोगों ने पेस्ट्री में कुछ मिलाया तो नहीं? माही। जी फरीदा जी आई। मुझे मैडम को वो पेस्ट्री खाने से रोकना होगा। ये लड़का जल्दी में जा रहा था, मैंने इसे वापस बुला ली। इतने दिनों से हवेली में पेस्ट्रीज ला रहा है, लेकिन कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये मत समझना
कि मैं कुछ जानती नहीं। अरे इसका नाम मीत, मीत है ना? वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ मीत के पास। जानती हो हवेली में जश्न क्यों मनाया जा रहा है? जी नहीं मैडम, मीत के लिए। बहुत प्यार करते हो ना माही से? माही बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। जश्न मनाने के लिए प्यार से ज्यादा अच्छा मौका क्या होता है? चलो पेस्ट्रीज भी यही है, मनाते हैं जश्न। लो धरा भी आ गई। आओ धरा। लेट्स सेलिब्रेट। मैडम इनके लिए कितनी खुश है, ये भी ये दोनों ने मारना चाहते हैं। क्या हुआ? मोम गिर गया। फरीदा जी। जी मैडम। अंदर से दवाई का डब्बा ले आई। नहीं नहीं मैडम, वो अब आपका बनाया हुआ बाम है ना, मुझे वो लगा दीजिए। चलो आपसे कुछ कहना है। वो मुझे कोई चोट नहीं लगी। वो ये पेस्ट्री आप मत खाना मैडम, मुझे लगता है इसमें शायद उसमें जहर। मैं आपसे काफी दिनों से ये कहना चाहती हूँ, बस मौका ही नहीं मिला। मैंने मीत और माई को बात करते हुए सुना था, वो शायद आपको मारना चाहते। बस अभी अभी पेस्ट्री फेंक दो, इसको खाना मत। धारा तुम्हें सचमुच मेरी चिंता है, मुझे पता है कि इस पेस्ट्री में जहर है। माही तुम इतना क्यों डर रही हो? देखो यहाँ तुम्हारी प्रीत मैडम छोड़ी है। प्रीत मैडम का नाम मत लो। धारा प्लीज मैडम को मत बताना, उन्हें पता चल गया तो वो हम दोनों को चांस से मार देगी। जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अंधेरे से प्यार करती है, अगर माही ऐसी काले दिल वाली औरत को हमने मार भी दिया अपने प्यार के लिए, तो इसमें क्या गलत है? और मुझे ये भी पता है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। एक सीक्रेट बता, प्यार में वो ताकत नहीं
कि मुझे मार सके। पेस्ट्री तो मैंने खा ली, अब जश्न मनाते हैं। चलो जीजू तो शायद सो गए होंगे, लेकिन उनको मैं उठा के पैसे दिखाऊंगी, कितना खुश होंगे ना वो। अरे लाइट को क्या हो रहा है? मुझे लगता है लाइट जाने वाली है। अंदर तो आ रही है लाइट। ओए! तूने देखा? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं है। अच्छा चल मैं लालटेन जलाती हूँ अंदर की, तू बाहर की जला। हाँ ये कौन है? बाबा ने बताया कि जंगल में बहुत खतरनाक औरत है और वो किसी को भी मार सकती है। अंदर जाओ ना, तुम अंदर जाओ। अरे हमें पता है, हमें पता है कहाँ है अंशुमन, लेकिन एक बार बताओ हमें बदले में क्या मिलेगा? जब तक मैडम नीचे नहीं आ जाती तुम दोनों यही इंतजार करो। माही अब क्या, उन्होंने पेस्ट्रीज भी नहीं खाई। दूसरी बात, मैडम को तो प्यार से नफरत थी ना, तो अचानक से मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मैडम को समझने में गलती हो गई हो, शायद वो वैसी ना हो जैसे मैं सोचती थी। मैडम हम ये क्या कर रहे हैं? उस पुतले को उठा। और जो सुई वहां पड़ी है, हीरे से उस पुतले में चुभा। ठीक हो ना?
मुझे पता है प्यार का अंजाम क्या होता है। मुझे उसके पास जाना है।